नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर है वो खबर है दिल्ली से। आपको बता दूं कि दिल्ली में शाहीन बाग के बाद अब घमासान मचता दिख रहा है। जी हां, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली में जैसा कि कहा जा रहा था कि हम एक नहीं कई शाहीन बाग बना देंगे, वैसा ही कुछ हश्र अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपको बताऊंगा पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो दिल्ली में शाहीन बाग बनाने वाले हैं ये कौन लोग हैं? ये शांति दूत हैं या किस तबके के ये लोग हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि इन लोगों का इलाज आखिर है क्या? ये प्यार से उठेंगे, ये मार से उठेंगे, ये दुत्कार से उठेंगे, या ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे? कमेंट में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करना आज आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों, आपको बता दूं कि दिल्ली में जैसा कि कहा जा रहा था कि दिल्ली में चुनावों के बाद अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो दिल्ली में एक नहीं बल्कि कई शाहीन बाग बना दिए जाएंगे, और ठीक वैसा ही अब देखने को मिल रहा है। मित्रों, आपको बता दूं कि कल शाहीन बाग में एक रास्ता खोला गया, एक वैकल्पिक रास्ता खोला गया, और पूरी मीडिया ने हल्ला मचा दिया कि शाहीन बाग का रास्ता खोल दिया गया। पहले उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाता हूं। दरअसल ये रास्ता खोला गया है, लेकिन ये एक वैकल्पिक रास्ता है और जिससे सिर्फ गाड़ियां और जो बाइक हैं वही जा सकती हैं, बस नहीं जा सकती। दूसरी चीज, ये रास्ता जब खोला गया है तो फरीदाबाद की तरफ ये जाता है, नोएडा की तरफ से, तो बेहद संकरा रास्ता है। फरीदाबाद पहुंचकर ये रास्ता बेहद संकरा हो जाता है, लिहाजा इस रास्ते से सिर्फ गाड़ियां और बाइक निकल सकती हैं और बसें नहीं निकल सकती। नोएडा की तरफ ये थोड़ा चौड़ा रास्ता है, लेकिन ये एक वैकल्पिक रास्ता खोला गया है। शाहीन बाग पूरा नहीं खोला गया, लेकिन इस बीच बता दूं आपको कि दिल्ली में अब दूसरा शाहीन बाग और तीसरा शाहीन बाग भी बना लिया गया है। आपको बता दूं कि शाहीन बाग के बाद अब जाफराबाद इलाके को रोक दिया गया है, और जाफराबाद के बाद चांद बाग में भी ये लोग बैठ गए हैं, एक ज्यादा भीड़ बैठ गई है। आपको बता दूं कि दोनों जगहों पर महिलाएं बैठ गई हैं, और इसकी वजह से सीलमपुर से यमुना बिहार की तरफ जो ट्रैफिक जाता है वो रुक गया है। इसके साथ ही बजीराबाद रोड से गाजियाबाद की तरफ जो ट्रैफिक जाता है वो भी रोक दिया गया है, यानी इन दोनों रास्तों को जाम कर दिया गया है। तो पहले जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, जाफराबाद मेट्रो, आपको बता दूं कि इस वक्त की हालत यह है कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और जाफराबाद अगर आप जा रहे हैं तो जाफराबाद आप उतर नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ वजीर जो चांदबाग है उस रास्ते को भी रोक दिया गया है। यानी आपको बता दूं कि कल रात से ही जाफराबाद में भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, भारी सुरक्षा बल तैनात है, इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये लोग मान नहीं रहे हैं, और महिलाओं की भीड़ जाफराबाद में पहले इकट्ठी हुई, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे ये लोग जमा हो गए, और उसके बाद कई वीडियोज ऐसे आए जिसमें ये मंच तक बना रहे हैं, यानी तख्त लाए जा रहे हैं और वहां पर मंच की तैयारी की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग में इन लोगों ने मंच बना लिया। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जाफराबाद और जो ये रास्ता है चांद बाग, यहां पर महिलाएं बैठ गई हैं सड़कों पर चाय बनाने के लिए, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है, बिरयानी खिलाने की पूरी तैयारी अब हो चुकी है, और दिल्ली में अब दूसरा शाहीन बाग, या कहूं कि तीसरा शाहीन बाग बनने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सदर बाजार की तरफ से भी यह खबर रही है कि सोमवार को सदर बाजार नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बंद रहेगा। तो बड़ी खबरें हैं। अब दिल्ली में जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जो है, या मैं कहूं कि ड्रामा जिस तरीके से लगातार बढ़ाया जा रहा है इस जिहादी भीड़ द्वारा, मित्रों आप बताइए ये लोग कौन है? क्या ये लोग मतलब देश के नागरिक कहलाने के लायक हैं? आप मुझे बताइए, क्या ये देशद्रोह नहीं है? आप ठीक है, विरोध करना आपका अधिकार है, लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, लेकिन उस विरोध की आड़ में आप ये नहीं देखते कि आप जिस रास्ते को रोक देते हैं, जिस सड़क को आप जाम कर देते हैं, उससे कितने लोगों को परेशानी होती है। मित्रों, अगर आपको शाहीन बाग का ही मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपको बता दूं कि शाहीन बाग में 250 से ज्यादा दुकानों पर ताला जड़ दिया गया है, 3000 से ज्यादा कर्मचारी अब तक प्रभावित हो चुके हैं, और तकरीबन 150 करोड़ रुपए के बिजनेस का नुकसान हुआ है शाहीन बाग में। शाहीन बाग में जिन लोगों की दुकानें हैं, कई दुकान मालिकों से हमारी बात हुई, शोरूम मालिकों से हमारी बात हुई, और उनका साफ कहना था कि हमारा यह जो शोरूम है या जो दुकानें हैं, ये 45,000 रुपए महीने से लेकर 1.5 लाख रुपए महीने तक के किराए पर हमने ली है। अब आप सोचिए, जिस दुकान का किराया 45,000 रुपए महीने है और उस दुकान को अगर 2 महीने बंद रख दिया जाता है तो मालिक की क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। और
बिक्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो बच्चे हैं शाहीनबाग के रास्ते से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एम्बुलेंस, इन लोगों ने ड्रामा किया कि एम्बुलेंस हम निकलने दे रहे हैं, लेकिन वहां से एम्बुलेंस भी कई दिनों तक नहीं निकलने दी गई थी। और अब यही हश्र इन लोगों ने जाफराबाद और चांदबाग में कर लिया है। आपको बता दूं कि जाफराबाद और चांदबाग से जो खबरें आ रही हैं, जाफराबाद में लगातार नारेबाजी चल रही है और नारेबाजी करते हुए एक तरफ से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारी महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन परिसर में जमा हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको बता दूं कि पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त वेद प्रकाश जो सूर्या हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, और महिलाओं और जो यहां पर जो लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये लोग हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि एहतियात के तौर पर शनिवार रात से ही जाफराबाद रोड पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया था, लेकिन आज रविवार है तो रविवार को यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई और खबरें ऐसी आ रही हैं कि जाफराबाद और चांदबाग इन दोनों ही जगहों पर तकरीबन 700-800 की महिलाओं की भीड़ जमा है। यानी जाफराबाद में भी 700 से 800 महिलाएं जमा हैं और पुरुष जमा हैं। इसके अलावा 700 से 800 की भीड़ जो है वो चांदबाग में भी जमा है। अब आप मुझे बताइए कि इस भीड़ का इलाज क्या है। आप देख रहे हैं शाहीनबाग में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आगे आया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने वार्ताकार नियुक्त कर दिए, लेकिन चार दिनों में क्या नतीजा निकला। साधना रामचंद्रन पहुंच जाती हैं। साधना रामचंद्रन, आपको बता दूं कि कल चौथा दिन था शाहीनबाग में बात करने के लिए, वो बातचीत भी बेनतीजा रही। तो इन लोगों का इलाज क्या है, ये कमेंट बॉक्स में, क्या ये प्यार से मान सकते हैं, क्या ये बातों के भूत हैं जो मान जाएंगे। जब इन लोगों से कहा गया कि आप जो है पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, और जब खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक मंच से ये साफ कर चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय नागरिक का कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी मजहब या किसी भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है। और विरोध नहीं कहूंगा मित्रों मैं इसे, इस विरोध की आड़ में आम मानस को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी को परेशान करने का ये एक एजेंडा है। अब आप सोचिए कि जो लोग वजीराबाद से गाजियाबाद जाते हैं उस रास्ते को इन्होंने जाम कर दिया, इसके अलावा इन लोगों ने जाफराबाद रोड को जाम कर दिया, तो अब इन दोनों रोडों से निकलने वाले लोग कैसे निकलेंगे और कैसे यहां से स्कूल जाने वाले या यहां से एम्प्लॉय जो अपने दफ्तर जाते हैं वो कैसे निकल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखना यह है कि क्या यह ज़िहादी भीड़ भी अब शाहीन बाग की तरह यहां पर जमा होकर बैठ जाएगी। क्या दिल्ली में जिस तरीके से अब इन लोगों ने कहा गया था पहले ही कि दिल्ली में हम कई शाहीन बाग बना देंगे, तो वही तैयारियां अब चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और शाहीन बाग के बाद अब जाफराबाद और जाफराबाद के बाद चांदबाग, इसके साथ ही सदर बाजार से भी, जैसे मैंने आपको बताया कि सदर बाजार से भी ये खबरें आ रही हैं कि सोमवार को सदर बाजार, यानी कल सोमवार को सदर बाजार नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बंद रहेगा। तो मतलब दिल्ली के हर इलाके में शाहीन बाग बनाने की तैयारी कर ली है ज़ियादी भीड़ ने। लेकिन मित्रों ये आपको समझना है, ये आपको सोचना है कि आखिर इस भीड़ का इलाज क्या है, और इस खबर को शेयर करना आज आपकी जिम्मेदारी है। इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट में ये जरूर बताएं कि इस जिहादी भीड़ का आखिर हल है क्या, इसके साथ किस तरीके से निपटा जाए। आपको बता दूं कि लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं, पंचर चलाने वाले का नुकसान नहीं होता, नुकसान लोगों का होता है जिनकी इस इलाके में दुकानें होती हैं, नुकसान उनका होता है जो इस इलाके से स्कूल जाते हैं। आपको बता दूं कि कई जगह जैसा कि मैंने बताया कि जो शाहीनबाग जो इलाका है वहां पर 150 करोड़ रुपए के बिजनेस का नुकसान हुआ है, और बाजार संघ के एक वरिष्ठ सदस्य ने खुद यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मध्यस्थ थे उनसे मिलकर वित्तीय नुकसान और इसके कारणों की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। मतलब सीधे सीधे यहां के व्यापारी संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वार्ताकार हैं जब वो शाहीनबाग पहुंच रहे हैं साधना रामचंद्रन, तो साधना रामचंद्रन के जरिए इन्होंने यह बात भी कही कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया जाए कि यहां पर व्यापारियों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मजदूर, सोचिए जो मजदूर इस इलाके में जाकर अपनी दो वक्त की रोटी चला पाता था, चौका चूल्हा जला पाता था, आज वो भी फालतू हो गया। इसके अलावा जो बच्चे इन रास्तों से स्कूल निकल कर जाते थे अब वो भी जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, और यही हाल अब जाफराबाद और वजीराबाद
साथ ही साथ चांदबाग में होने वाला है। तो मित्रों इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ आपको इस खबर को शेयर करना होगा, साथ ही साथ देश से जुड़ी खबरें आप तक लेकर आता है हॉकफीड न्यूज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।